नमस्कार हजारी डांस में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए नमस्कार आदाब सत श्रीकाल, आशा करते हैं कि आप घर पर अच्छी तरह से हैं। क्षेत्राधिकारी इमरान अहमद द्वारा थाना बार का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान थाना परिसर, बैरिंग, मरम्मत, मालखाना, मैस कार्यालय, शस्त्रों व दंगा नियंत्रण उपकरणों के रख रखाव, महिला हेल्प डेस्क, थाने संबंधी अभिलेखों का अवलोकन तथा कोविड संबंधी दिशा निर्देश दिए। जिला सूचना अधिकारी ने किया पदभार ग्रहण। सूचना निदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा जिला सूचना अधिकारी झांसी सुरजीत सिंह को ललितपुर का अतिरिक्त प्रभार हेतु आदेश के अनुपालन में सुरजीत सिंह जिला सूचना अधिकारी ने जिला अधिकारी आलोक सिंह से भेंट की और जिला सूचना कार्यालय पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। वहीं मान्यता प्राप्त पत्रकार जयेश बादल सहित अन्य पत्रकारों ने पुष्प भेंट कर उनका स्वागत किया। हम किसान की बात करते हैं, अन्नदाता की बात करते हैं। जो एक खबर हमारे सामने आई है, नीमे घर में सो रहे किसान की ठंड से मौत। कोतवाली क्षेत्र ग्राम गणेशपुरा टपरियन में एक किसान की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस व राजस्व कर्मी मौके पर पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई की। वहीं महोत्सव की बात करते हैं, तालमहट के लाल अनुराग रावत की बात करते हैं कि जिन्होंने, हम बता दें कि 29 दिसंबर को बारामूला सेक्टर पर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपनी शहादत दी। विगत दिवस 28 दिसंबर को शहीद अनुराग रावत की समाधि पर पहुंचकर शहीद महोत्सव कमेटी नगर के गणमान्य नागरिकों ने शहीद अनुराग रावत की समाधि पर पहुंचकर उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी व दीपांजलि की। इस दौरान इस अद्भुत दृश्य को हम दिखा रहे हैं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। वही अनुराग रावत अमर रहे, इन जयकारों से कहीं ना कहीं ताल भेट के जर्रे जर्रे में अनुराग रावत का जो नाम है वह दौड़ गया और आने वाली पीढ़ी को कहीं ना कहीं ये संदेश दे गया कि शहादत कभी बेकार नहीं जाती है। जिस तरह से अनुराग रावत ने शहादत दी, जिस तरह से अनुराग रावत ने देश की हिफाजत में अपने प्राणों की आहुति दी, कहीं ना कहीं आज उनका नाम आसमान के फलक पर कहीं ना कहीं एक सितारे की तरह चमक रहा है। वहीं कहीं ना कहीं आज अनुराग रावत तालबेट व जनपद वासियों के लिए, युवाओं के लिए आज प्रेरणादायक बने हुए। रामलीला मैदान में रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। वहीं ठंड के बावजूद भी नन्हे मुन्ने बच्चों ने एक से एक प्रतिभा दिखाई। शहीद महोत्सव के शुभारंभ में मुख्य अतिथि समाज सेवी पुनीत सिंह परिहार, विशिष्ट अतिथि शैलेंद्र रावत, कार्यक्रम अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष मुक्ता सोनी ने शहीद अनुराग रावत के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित किए। इसके उपरांत बच्चों ने गीत व सामूहिक नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया। बच्चों की शानदार प्रस्तुति को देख रात्रि तक दर्शक मौजूद रहे। आयोजन समिति की बात करें तो पार्षद मनोज पुरोहित, राजेंद्र लिटोरिया, दीपू पाठक, आलोक पाठक, राम आनंद खरे, सुमित अग्नोत्री, प्रदीप अगरिया, राहुल गोस्वामी आदि का सहयोग रहा। अगर हम कोविड के संक्रमण की बात करें, लोगों को जागरूक की बात करें, अवेयरनेस की बात करें तो उप जिलाधिकारी SP सिंह, तहसीलदार राघवेंद्र शर्मा, नायब तहसीलदार ललित पांडे सहित पूरी टीम। अगर हम पुलिस की बात करें तो CO इमरान अहमद, कोतवाल संजय गुप्ता अपने दल बल के साथ कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक कर रहे हैं और गाँव गाँव जाकर चौपाले भी लगाई जा रही है। वही विगत दिवस की बात करें तो तालबेट ब्लॉक सभागार में प्रधानों व कोटेदारों की प्रशासन ने मीटिंग ली, वहीं लोगों को जागरूक किया। इस दौरान उप जिलाधिकारी SP सिंह ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आप लोगों से बात करने का इतना उद्देश्य है, हमारे सभी सम्मानित प्रधान जी हैं, कोटेदार हैं, बाकी और भी उपस्थित सरकारी व्यवस्था से जुड़े हैं, तो जो भी आप लोगों के माध्यम से ये चीजें जो हम बता रहे हैं, निर्वाचन आयोग के डायरेक्शन या कोविड गाइडलाइंस के संबंध में, उनका अनुपालन करने के संबंध में, आप गांव में, क्योंकि आप ही मेन जनप्रतिनिधि वहां हैं, आप ही हेड हैं गांव के, तो आप गांव में उन चीजों को बताएं लोगों को। गांव में मीटिंग करके, ग्राम पंचायत लेवल पर मीटिंग करके लोगों पे संज्ञान में लाएं, तो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा सभी लोग उठाएं। आज 29 दिसंबर को अनुराग रावत की समाधि स्थल पर युवा जागृति मंच के द्वारा हम बताते चले कि पुष्प अर्पित किए गए तो वहीं दीपांजलि की गई। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। यह पंक्तियां राम प्रसाद बिस्मिल की हैं जो हमें आज याद आ रही हैं। वहीं हम बता दें कि आज शहीद अनुराग रावत की समाधि पर मौजूद हैं और आज ही के दिन हम बता दें कि शहीद अनुराग रावत बारामूला सेक्टर पर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए थे।
वहीं इस आज ही का दिन है कि आज के दिन उन्होंने इस धरती माँ इस भारत माँ की हिफाजत करते हुए कहीं ना कहीं अपने प्राण खोए थे। बता रहे हैं आपको 2004 है जिसमें 29 दिसंबर को अनुराग रावत बारामूला सेक्टर पर आतंकवादियों से लोहा लेते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा था और वह शहीद हुए थे। वहीं हम बताते चले आज जानकारी के लिए कि अनुराग रावत का जो पार्थिव शरीर है 31 दिसंबर को तालवेट में रामलीला मैदान में लाया गया था, जहां पर कि हजारों की संख्या में लोगों ने नम आंखों से इस वीर सपूत को विदाई दी थी। और हम अनुराग रावत की समाधि पर मौजूद है, हमारे सौरभ हमारे साथ है। सौरभ जी, अनुराग रावत की समाधि है और हम बता दें कि हर साल बड़े श्रद्धा से नम आंखों से लोग कहीं ना कहीं अनुराग रावत को अंतिम विदाई दम आंखों से पूरी टीम समेत पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनसे सीधे सीधे ले चलते हैं। जी, आपका बहुत बहुत स्वागत पहले हजारिया टाइम में। आज आप एक पुनीत काम कर रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद हजारिया टाइम्स, ये हम प्रतिवर्ष युवा जागृति मंच द्वारा आयोजित करते हैं पुष्पांजलि और दीपांजलि कार्यक्रम। हमें गर्व है कि हम अपनी शहीद के हमारे नगर का जो है युवा अनुराग रावत देश के लिए शहीद हुआ और उसी के क्रम में हम लोग यहाँ उनकी समाधि पर पुष्पांजलि और दीपांजलि करके उनसे प्रेरणा लेते हैं। वीर शहीद अनुराग रावत की प्रेरणा के उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसे कार्यक्रमों से लोगों में देशभक्ति का जज्बा जागृत होता है। बिल्कुल, देशभक्ति का जज्बा जागृत होता है और इनकी प्रेरणा से ही हम लोग ये समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। देते हैं कि हमारे देश का लाल, हमारा इस नगर का लाल जो सेना पर बारामूला सेक्टर पर शहीद हो गया था, आज उनकी शहादत पे हम सभी नगरवासी नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज शहीद अनुराग रावत की जो शहीद जयंती है उस पर हम सभी लोग तहे दिल से नतमस्तक होकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। शहीद अनुराग रावत जी को श्रद्धांजलि देने आए हैं। अच्छा, शहीद हुए थे। आप भी फौज में जाना चाहेंगे? हाँ। देश की सेवा करना चाहेंगे? हाँ, करना चाहूंगा। वेरी गुड। इस मौके पे सर हम ये कहेंगे, ये हमारे वीर सपूत हैं, हमारे तालबेट की शान है और इनने अपने देश की रक्षा में प्राण गंवाए हैं, इनको मैं सशक्त नमन करता हूँ।